मूर्खों की भी कोई कमी नहीं है। इनका तो जीवन पूर्ण हो गया, अब आप कैसे बचेंगे गणेश जी? इन्हें तो ये भी ज्ञात नहीं कि मैंने इनके लिए श्वेत पुष्प नहीं विषैले कांटे बिछाए हैं। क्या हुआ भ्राताओं, अभी तक आप वहीं क्यों स्थित हैं? आइए आइए आइए, भीतर आकर अपने इस भ्राता को आपके उचित आदर सत्कार का अवसर प्रदान कीजिए। तुम्हें क्या लगता है कि हम यहाँ तुम्हारे? क्षमा कीजिए भैया, किंतु यदि ममता सुर भ्राता मानकर हमारा सत्कार करना चाहता है तो इसमें अनुचित क्या है? भैया स्थिति को समझिए, इसे इसके छल में उलझा कर ही हम इससे माँ की दिव्य गदा प्राप्त करने में सफल होंगे, समझे भैया? अरे अरे भैया, ये क्या कर रहे हैं आप? मैं प्रथम पूज्य हूँ, इसीलिए विधि के अनुसार सर्वप्रथम आगे बढ़ने का अवसर तो मुझे ही प्राप्त होना चाहिए ना? अवश्य अनुज। मेरे प्रिय भ्राताओं, इन सुंदर पुष्पों में छुपे विषैले कांटों से तो अब आपके पत्रांत तो क्या कोई रक्षा कवच भी आपकी रक्षा नहीं कर पाएगा। ममता सुर के मुख पर इतना कुटिल भाव, अर्थात ये पुष्प वास्तविक नहीं, भ्रम है, छल है। कितने कोमल पुष्प हैं! ये विषैले कांटे पुष्पों में कैसे परिवर्तित हो गए? इन पुष्पों को हमारे मार्ग में बिछाकर हमारा स्वागत करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद ममता सर। अनुज गणेश, आज हम प्रथम बार ममता सर के स्थान में प्रवेश कर रहे हैं, तो तुम्हें नहीं लगता कि ममता सुर को आगे आकर हमारे चरण स्पर्श करके हम दोनों का स्वागत करना चाहिए? विशेषकर प्रथम पूज्य गणेश जी का तो करना ही चाहिए। भैया उचित कह रहे हैं ममता सुर, आयु में तुमसे अधिक होने के कारण तुम्हें यहाँ आकर हमसे आशीष लेना चाहिए। गणेश जी ने चमत्कार कर विषैले झाड़ के कांटों को पुष्पों में परिवर्तित कर दिया, किंतु यदि इस कालकूट विष का मेरे चरणों में स्पर्श भी हुआ तो कहीं मेरे जीवन पर ही कोई संकट ना छा जाए। क्या हुआ ममता सर, आओ आगे बढ़ो। हाँ ममता सर, अन्यथा माँ को ज्ञात होगा कि हम इतने स्नेह से तुमसे भेंट करने पहुँचे और तुमने उचित प्रकार से हमें प्रणाम भी नहीं किया, तो उनका हृदय कितना आहत होगा। और उस पीड़ा से उत्पन्न हुए क्रोध के कारण कहीं ऐसा ना हो कि तुमने उनसे वरदान में जो प्राप्त किया है कहीं वो तुम्हें उससे ही वंचित ना कर दे। अब माँ के क्रोध का क्या पता, समझ रहे हो ना तुम? ये कैसी दुविधा प्रकट हो गई, अब मैं क्या करूं? अनुज गणेश, कदाचित ममता सुर हम दोनों का स्वागत करने का इच्छुक ही नहीं है। चलो हम ही जाकर माँ को इसके इस कपट से अवगत करवाते हैं। हाँ भैया चलिए। चलो आप। अब नहीं नहीं
रुकिए। पूरे फंसे ममता सुर, गणेश तुम्हारे छल से तो सुरक्षित रह गया, अब देखना है तुम स्वयं को अपने ही छल से कैसे बचाते हो। प्रणाम तो दाहिने हाथ से ही किया जाता है ना? आप दोनों चतुर अवश्य हैं, किंतु एक प्रकार से मैं भी आपका भ्राता ही हूं, इसलिए मुझे उलझाना इतना सरल नहीं। भैया अत्यंत कपटी है ये दुष्ट, सर्वप्रथम हमारे विरुद्ध अपनी माया का प्रयोग किया इसने, और अब हमारी माँ से प्राप्त दिव्य अस्त्र से ही स्वयं को सुरक्षित भी कर रहा है। क्या हुआ मेरे प्रिय भ्राताओं, अपने इस भ्राता को आशीष नहीं देंगे आप? शीघ्र विकार मुक्त होकर सत्कर्म करो। जो कभी होगा नहीं। मैं भी तुम्हें आशीष देता हूं कि तुम कुपथ का त्याग कर सुपथ को स्वीकार करो। मेरे दोनों भ्राता स्वप्न बहुत देखते हैं। आइए भीतर प्रवेश कीजिए, मैं ऐसा आदर सत्कार करूंगा आप दोनों का जैसा आज तक किसी ने नहीं किया होगा। हम भी देखते हैं कि इस गदा को कब तक थाम के रख सकते हो तुम। आइए मेरे अतिथि गृह में स्वागत है आप दोनों का। ममतासुर एक सुझाव है तुम्हारे लिए, तुम तनिक सतर्क रहना क्योंकि गणेश माँ को सर्वाधिक प्रिय है, इसलिए उसके अतिथि सत्कार में यदि तुमसे कोई चूक हो गई तो माँ क्रोधित होकर केवल तुम्हारी सहायता से ही मुख नहीं मोड़ेंगी, अपितु इसके लिए तुम्हें कठोर से कठोर दंड भी देंगी। और गणेश तो इतना विशेष अतिथि है तुम्हारे लिए कि उसका सत्कार तुम्हें सेवकों द्वारा नहीं अभी तो स्वयं अपने हाथों से करना चाहिए। सेवक नहीं, अपने प्रिय भ्राताओं की सेवा तो मैं स्वयं ही करूंगा। ये कैसा वचन दे दिया मैंने इन्हें, ऐसा करने पर तो मुझे अपनी गदा को अपने हाथों से मुक्त करना होगा। भोजन आरंभ कीजिए भ्राताओं। और लड्डू दीजिए ना। पूरी सब्जी, दाल, ममता सुर खीर दीजिए। लड्डू दीजिए। मोदक, जल दीजिए।
तुमने हमें अत्यंत स्वादिष्ट भोजन प्रस्तुत कर आनंदित कर दिया ममता सर। इनका प्रस्थान करना ही उचित होगा, अन्यथा कहीं मैं स्वयं ही थकान से गिर न जाऊं। अब विश्राम करने का अवसर प्राप्त होगा मुझे। ये दोनों तो अभी भी यही हैं। मुझे अपनी गदा को अपने हाथों में ही रखना चाहिए। ये क्या ममता सर? तुम्हारे अतिथि अभी भी यहीं तुम्हारे समक्ष ही उपस्थित हैं। और तुम विश्राम करने का विचार कर रहे हो? लज्जा नहीं आ रही है तुम्हें? नहीं नहीं नहीं, अब मैं बैठ कर रहा हूं। मैं तो अपने स्थान पर ही स्थित हूं। एक हाथ से गदा को थामे हुए और दूसरे से इन दोनों की सेवा, कितना थक गया हूं मैं। कदाचित अब तुम्हारे लिए अपनी गदा को संभालना भी कठिन हो रहा है ममता सर, तो अब हम प्रस्थान कर तुम्हें अपनी सेवा से मुक्त करते हैं और आशा करते हैं कि जिस श्रद्धा से तुमने हमारा सत्कार किया, उसी श्रद्धा से बुराई का त्याग कर तुम अच्छाई के पथ पर भी अग्रसर होगे। अब विश्राम करने का अवसर प्राप्त होगा मुझे। भैया, जब तक हम इसके समक्ष होंगे, ये गदा को अपने हाथों से कदापि दूर नहीं करेगा। हमें यहां से जाना ही होगा। मुझे मेरे ही जाल में फंसाने आए थे दोनों। किंतु मैंने उनकी योजना को विफल कर दिया। हमारे जाल में तो तुम उलझ चुके हो ममता सर। ये दोनों तो यहाँ से प्रस्थान कर गए थे। ये दोनों यही है? मेरी गदा भी बिछाए। बोलो, बताओगे ना ये भी? माँ के पुत्र को आहत करने का इतना बड़ा प्रयास किया तुमने, फिर यदि गणेश ने भी कुछ माया का प्रयोग कर लिया तो इसमें कैसा छल? भैया, जब तक हम इसके समक्ष होंगे, ये गदा को अपने हाथों से कदापि दूर नहीं करेगा। कदाचित अब तुम्हारे लिए अपनी गदा को संभालना भी कठिन हो रहा है ममता सर, तो अब हम प्रस्थान कर तुम्हें अपनी सेवा से मुक्त करते हैं। जिन्होंने यहां से प्रस्थान किया था, वो दोनों केवल इनके माया के प्रतिरूप थे। हाँ, और हम स्वयं यही थे, तुम्हारे अत्यंत निकट। आपको क्या लगा कि मैं अपनी वास्तविक गदा को अपने हाथों से विलग होने दूंगा? मुझे आपके आगमन से ही संदेह हो गया था, इसीलिए तो मैंने एक अन्य गदा थाम रखी थी। वास्तविक गदा तो अब भी मेरे हाथों में है।
क्या हुआ? आप दोनों मुस्कुरा क्यों रहे? मैं सत्य कह रहा हूं, वास्तविक गदा मेरे हाथों में ही है। जो इस समय आपके पास है वो तो एक साधारण गदा है जिसका कोई लाभ नहीं। छोड़ दीजिए उसे। मैं आश्चर्यचकित हूं ममता सुर, कोई इतना अबोध कैसे हो सकता है भला? तुम अब तक भी नहीं समझ पाए? माया के देवता को अपनी माया से छलने का प्रयास कर रहे हो तुम अब भी? तुमने हमारा उत्तम आदर सत्कार किया, इसीलिए मैं तुम्हें एक अवसर और प्रदान करता हूँ। सुधर जाओ, ममता का अनुचित लाभ उठाना छोड़ दो। देखो ममता सर, हम यहाँ तुम्हें हानि पहुँचाने नहीं, अभी तो तुम्हारे भीतर के विकार को नष्ट करने आए हैं। इसीलिए यदि तुम स्वयं अपने भीतर के विकार का त्याग कर दो तो हम तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुँचाएंगे। माते माते माते, मेरे भोले भ्राताओं, इतनी सरलता से भयभीत होने वाला नहीं हूं मैं। मेरे विकार जो मेरे जीवन का आधार है उनका परित्याग कर दूं? कदापि नहीं, कभी नहीं, क्योंकि मैं महानायक भंडासुर जी को प्रसन्न करना चाहता हूं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और ये तो तभी होगा जब मेरे विकार से प्रभावित बालक अनुशासन के सभी नियमों को भंग कर और अपने माता पिता की अवज्ञा और अपमान करेंगे, उन्हें प्रताड़ित करेंगे। और बालकों की ये कुटिलता समय के साथ निरंतर बढ़ती जाएगी। मैं तुम्हें ऐसा कदापि नहीं करने दूंगा ममतासुर। ये लो। पहले मुझे ढूंढ कर तो दिखाओ। वो तो इसी दिशा में आया था, तो यहां से कहां चला गया वो गणेश? अब अदृश्य होकर ज्ञात नहीं वो कहां पहुंचकर किसे प्रभावित करने जा रहा है। गणेश, तनिक लंका की ओर तो देखो। मूषक जी, उस दिशा में चलिए। राक्षस राज, क्या आपके प्रति मेरा स्नेह समर्पण पर्याप्त नहीं है? क्या आपको मेरा सौंदर्य भाता नहीं? क्या आप मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में पाकर प्रसन्न नहीं हैं? मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए राक्षस राज। क्या कमी रह गई थी मुझ में जो आप देवी वेदवती के प्रति आकर्षित हुए और उनके तप में व्यवधान उत्पन्न किया? पूर्व में भी आप नंदी जी के श्राप से श्रापित हुए। तुम्हारे सर्वनाश का कारण एक वानर सेना ही बनेगी। अब पुनः एक श्राप के भागी बने हैं। क्या आपको अपनी तनिक भी चिंता नहीं है? कहीं देवी मंदोदरी सत्य तो नहीं कह रही हैं? कहीं वास्तव में मुझसे कोई बड़ी भूल तो नहीं हो गई? मेरा पुत्र रावण इतनी बड़ी त्रुटि नहीं कर सकता। ज्ञात नहीं आपको आपकी इस भूल का कितना विनाशकारी परिणाम भुगतना होगा। कृपा करके अपने इस व्यवहार पर संयम रखिए राक्षस राज, और पर स्त्री को सदैव सम्मान की दृष्टि से देखिए। देवी मंदोदरी, Thank you.
शांत हो जाइए आप। राक्षस राज रावण है मेरा पुत्र और आप उसे उसकी राक्षस प्रवृत्ति को त्यागने का सुझाव दे रही हैं। उसकी जो भी इच्छा है उसे पूर्ण रूप से सिद्ध करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है वो। किसी भी प्रकार के श्राप की चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे पुत्र रावण को, क्योंकि वो तो अजय है। जिस स्त्री के प्रति आकर्षण हो उसे प्राप्त करने की इच्छा व्यक्त करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है मेरा पुत्र। और जो उसे अप्रिय है उसका अपमान और तिरस्कार करने का उसे अधिकार है। यही व्यवहार हम राक्षसों के अनुरूप है और राक्षस राज रावण को ऐसा करने से रोकना सर्वथा अनुचित है। एक माता अपने पुत्र के दुर्व्यवहार का समर्थन कर अपने ही पुत्र को अधर्म के अंधकार में कैसे भेज सकती है? भैया ये और कुछ नहीं, अवश्य उस दुष्ट ममता सुर का ही प्रभाव है, वो अवश्य यहाँ उपस्थित होगा। दादाओं, आप मेरा प्रभाव तो सर्वत्र पाएंगे किंतु मुझे कहीं नहीं ढूंढ पाएंगे। पुत्र रावण, तुम्हें देवी मंदोदरी की किसी भी बात पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं। तुम अपनी इच्छा पूर्ति करो और राक्षसी प्रवृत्ति पर स्थिर रहो। आप तनिक भी चिंता मत कीजिए माता, आपका ये पुत्र राक्षस राज रावण आपको कभी भी निराश नहीं करेगा। महानतम राक्षस हूँ मैं और महानतम ही रहूंगा। 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 ममता सुर ने अपने प्रभाव से एक विषैले व्यक्तित्व को और विषैला बना दिया है। इसके पूर्व की वो दुष्ट अन्य जीवों में भी दुष्टता का संचार करे, हमें उसे रोकना होगा। भैया तो सर्वत्र मेघ ही मेघ है अनुज गणेश, फिर उस मेघ रूपी ममता सुर को कहां ढूंढे हम? हाँ हाँ, जो तुम्हारी इच्छा है वही करो। ये तो कुबेर जी का स्वर है ना भैया? हाँ गणेश, किंतु वो इतनी ममता से किससे वार्तालाप कर रहे हैं? मेरे पुत्रों नल कुबेर मणिग्रीव कुबेर, यही तो आयु है आपकी क्रीड़ा करने की, इसलिए उन्मुक्त होकर जितनी इच्छा हो उतनी क्रीड़ा कीजिए। पिताश्री आप चिंता ना करें, आप अनुमति दें अथवा ना दें, हम तो अपनी इच्छा अनुसार से ही क्रीड़ा करेंगे। उचित है। नारायण नारायण, ये कैसा अनुचित कथन है कुबेर पुत्रों का। पिताश्री हाँ। जब तक हमारा मन नहीं भरता हम इस नदी के जल में क्रीड़ा करेंगे, तब तक आप यहीं स्थित रहकर हमारे वस्त्रों की देखरेख कीजिए। उचित है, सर्वथा उचित है। ममता सुर ने अपना प्रभाव यहाँ भी स्थापित करना आरंभ कर दिया है अनुज गणेश। कुबेर जी के पुत्र उन्हें आदेश दे रहे हैं कि उन्हें किस प्रकार कार्य करना है। ओह
देव ऋषि नारद जी। कुबेर जी, आपने अपने पुत्रों को उचित संस्कारों की सीख नहीं दी, ये भी नहीं सिखाया उन्हें कि जब उनके समक्ष उनसे बड़ा कोई आता है तो उनका अभिवादन करना चाहिए। बालक है, क्रीड़ा करने गए हैं, इसलिए आप पर ध्यान नहीं गया होगा उनका। इसे आप अपना अपमान ना समझें। कुबेर जी, अपने पुत्रों को अति आवश्यक सीख देना अति आवश्यक है। ये भी अति आवश्यक है उन्हें समझाना कि पवित्र नदी में यूं संपूर्ण रूप से निर्वस्त्र होकर प्रवेश करना धर्म के विरुद्ध है। देवर्षि, आप भी हमारे समान जल में प्रवेश तो कीजिए। आपको स्वयं ज्ञात हो जाएगा कि इस प्रकार स्नान करने में कितना आनंद आता है। अपनी जल क्रीड़ा में तो खो ही गए मेरे पुत्र। उनके पुत्र देवर्षि नारद की अवहेलना और अपमान कर रहे हैं। पवित्र नदी के जल में कैसे प्रवेश किया जाता है उस विधि को भूलकर पवित्र जलधारा का भी अपमान कर रहे हैं। और कुबेर जी उसके इस अनुचित व्यवहार से आनंदित भी हो रहे हैं। कुबेर जी, आपकी इस अनुचित ममता ने आपके पुत्रों के दुर्व्यवहार को देखकर भी अनदेखा करने को विवश नहीं किया, अपितु आपकी बुद्धि भी पूर्णतः भ्रष्ट कर दी है। इसीलिए आपके पुत्रों के इस दुर्व्यवहार को आप स्वीकार कर रहे हैं। दोषी है, दोषी है, दोषी, दंड तो अवश्य प्राप्त होगा। उद्दंड बालको, जो गुरु जनों का सम्मान ना करे, पूर्ण रूप से निर्वस्त्र होकर पवित्र नदी में स्नान करे, वो प्राणी मात्र एक वृक्ष के समान होता है। तो जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम दोनों भी इसी क्षण वृक्षों में परिवर्तित हो जाओगे। वृक्षों में परिवर्तित हो गए। ये कैसा कुप्रभाव है ममतासुर के विकार का, जिससे विकारग्रस्त होकर कुबेर जी भी प्रभावित हो गए और उसका परिणाम अब उनके पुत्र भुगतने पर विवश हो गए। यहाँ मेरा कार्य पूर्ण हुआ, अब अगले लक्ष्य की ओर प्रस्थान करता हूँ। क्षमा देव ऋषि जी, क्षमा। देवर्षि जी, ज्ञात नहीं हम पर किसका प्रभाव पड़ गया था। आप पर किसका प्रभाव हुआ था इसका तो मुझे भी ज्ञात नहीं, किंतु मैं आपके पुत्रों को श्राप दे चुका। अब इसके प्रभाव से मैं उन्हें श्राप मुक्त नहीं कर सकता। मैं पुनः आपसे क्षमा याचना करता हूँ। मेरे पुत्रों को श्राप मुक्त करने का कोई तो उपाय होगा। देवर्षि, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए मेरे बालकों को, क्षमा कर दीजिए। कुबेर जी, मैं अपना श्राप लौटा तो नहीं सकता,
किंतु जो श्राप असीमित है उसे सीमित में परिवर्तित अवश्य कर सकता हूं। जब प्रभु नारायण स्वयं धरती पर प्रकट होंगे और जब वे बाल क्रीड़ा करेंगे तब आपके पुत्रों को श्राप मुक्त अवश्य करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद महर्षि। भैया, हमें यहाँ पहुँचने में भी विलंब हो गया और एक राक्षस के उपरांत ममतासुर एक देवता और उनके पुत्रों को प्रभावित करने में भी सफल हो गया। अनुज गणेश, ममतासुर भी कामासुर के मार्ग पर ही अग्रसर है। जिस प्रकार कामासुर ने पहले रावण, फिर देवराज इंद्र के उपरांत ऋषि विश्वामित्र को प्रभावित किया था, उसी प्रकार ये दुष्ट ममतासुर भी एक बलशाली राक्षस और देवता को प्रभावित करने के उपरांत अब इन दोनों से भी अधिक महान व्यक्तित्व को प्रभावित करने के लिए तत्पर होगा। कौन हो सकता है वो? कुछ भी असंभव नहीं। जय हनुमान। मेरा अगला लक्ष्य मेरे समक्ष है। अनुज गणेश, इससे पूर्व कि ये दुष्ट ममतासुर अपना अगला लक्ष्य निर्धारित कर उन्हें भी प्रभावित करे, हमें उसे ढूंढकर उसे रोकना ही होगा। हाँ भैया, किंतु है कहाँ वो? बलशाली हो तुम हनुमान। इस शिला को उठा लिया तुमने हनुमान, अब इसे और ऊपर उठाओ। हाँ हाँ, अपनी अपार शक्ति का प्रदर्शन करो हनुमान। पुत्र हनुमान कैसी क्रीड़ा कर रहा है ये? माता, यहाँ उन्होंने इस प्रकार मुझे यहाँ देख लिया तो बहुत उलाहना देंगी। इतना दिव्य पुत्र और इतनी ममतामयी माता, जो अब मेरे ममता मोह के विकार का अगला लक्ष्य होंगे। आनंद आएगा, बहुत आनंद आएगा।
माते माते माते। अनुज गणेश, ममता सुर तो उड़कर इसी दिशा में आया था, फिर अचानक अदृश्य कहाँ हो गया? भैया आप चिंता मत कीजिए, हमें शीघ्र ममता सुर का कोई ना कोई संकेत अवश्य प्राप्त होगा। इस अपार बल का स्वामी कौन हो सकता है? कहीं ममता सुर उसको भी अपने विकार से ग्रस्त तो नहीं करने वाला? हाँ, ओहो, तो आपको ज्ञात भी हो गया कि मैं क्या कर रहा था? हाँ मेरे नटखट पुत्र, मुझे सब ज्ञात हो गया है। किंतु पुत्र, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो अपार बल के स्वामी होते हैं उन्हें अपने बल का प्रयोग केवल जगत हित के महान उत्तरदायित्व को निभाने के लिए करना चाहिए, न कि ऐसी क्रीड़ा कर जिससे किसी अन्य को क्षति पहुंचने की संभावना हो। किंतु माता, मैं तो ये क्रीड़ा और मनोरंजन के लिए कर रहा था। माता, मुझे थोड़ी देर और क्रीड़ा करने दीजिए ना। करो पुत्र, तुम्हें जो भी क्रीड़ा करनी है। आओ मित्रों, माता ने अनुमति दे दी, अब तो और आनंद आएगा। गणेश, यहाँ तो कोई भी नहीं है। किंतु भैया, वो शिला तो इसी स्थान से आई थी। अर्थात हम उचित स्थान पर पहुंचे अवश्य हैं, किंतु इसमें हमें तनिक विलंब हो गया है अनुज। तपस्या कर रहा है। हम यहाँ क्रीड़ा करेंगे तो ऋषिवर के तप में बाधा उत्पन्न होगी। कदाचित उचित तो ये होता कि ये यहाँ से किसी दूर ऊंचे स्थान पर तप कर रहे होते, जैसे वो वृक्ष। मेरे अनुसार हमारे कारण ऋषिवर के तप में कोई विघ्न उत्पन्न नहीं होगा। वैसे भी यदि वो यही अपने तप में लीन रहेंगे तो कोई भी पशु उनके तप में बाधा बन उन्हें क्षति भी पहुंचा सकता है। इन्हें तो किसी ऊंचे स्थान पर ही स्थित होकर तप करना चाहिए। ये सुझाव तो सर्वथा उचित है। उस वृक्ष पर
ऋषिवर वन्य जीवों के संकट से सर्वथा सुरक्षित हो जाएंगे। तो सिर्फ इन्हें ही क्यों, इनकी सुविधा हेतु मैं इन्हें इनकी शिला के साथ ही उस वृक्ष पर स्थित कर देता हूँ। फिर बिना किसी बाधा के ऋषिवर सदियों तक अपनी तपस्या कर सकेंगे। हाँ हाँ, यही उचित होगा हनुमान, किंतु क्या ये संभव है? सुर के लिए तो किसी को भी प्रभावित करना संभव है। हनुमान, 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 हनुमान। ममतासुर अपने प्रभाव से बाल हनुमान जी को कोई भूल करने के लिए प्रेरित कर सके, उसके पूर्व ही हमें ज्ञात करना होगा कि वो कहाँ है। अनुज गणेश, तुम बालकों का ये स्वर सुन रहे? हाँ भैया, हमें उसी दिशा में जाना चाहिए। इसका दुष्परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाइए हनुमान जी। ये कैसे संभव है? मुझे इस वृक्ष पर स्थिर कर मेरा तप भंग करने का दुस्साहस किसने किया? वर्षों के कठोर तप को भंग करने का दंड तुम्हें अवश्य दूंगा। ये तो आरंभ मात्र है मेरे विकार के प्रभाव का। आपने अपने जिस बल के अहंकार में ऋषि भृगु और ऋषि अंगिरा के इस वंशज का तप भंग करने का दुस्साहस किया है। मैं श्राप देता हूँ, आप अपने उसी बल को एक दीर्घ अवधि के लिए पूर्ण रूप से भूल जाएंगे। क्षमा ऋषिवर, क्षमा।
मुझे क्षमा कर दीजिए ऋषिवर। वहां मैंने रावण को उत्तेजित किया और यहाँ हनुमान के बल को क्षीण करने में सफल रहा, तो अब समस्त संसार में मेरे ममता मोह के विस्तार को कोई नहीं रोक सकता, जिसके दुष्परिणाम के साक्षी तो आप भी होंगे गणेश जी। हनुमान जी का जन्म तो प्रभु श्री राम के कार्य सिद्ध करने के लिए हुआ है। यदि वो अपना सामर्थ्य ही भूल जाएंगे तो प्रभु के सहायक बन राम काज करने में कैसे सफल होंगे। मैं इस ममता सुर को इसके कुटिल प्रयोजन में कदापि सफल नहीं होने दूंगा। मैं आपको श्राप मुक्त तो नहीं कर सकता, किंतु इसके प्रभाव को सीमित अवश्य कर सकता हूँ। भले ही मेरे श्राप के कारण आप अपनी विशेष शक्तियों को भूल गए हैं, किंतु जब कोई आपको आपके बल का स्मरण कराएगा, तब आप पुनः अपने सामर्थ्य को प्राप्त कर अपने महान दायित्वों को निभाने में सफल होंगे। मुझे क्षमा करने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद ऋषिवर। ममतासुर, ये तो यहाँ है। गणेश, इससे पूर्व कि ये दुष्ट पुनः मेघों का रूप धारण कर यहाँ से अदृश्य हो जाए, हमें इसे अपना बंदी बना लेना चाहिए। आइए भैया, मैं अभी इसका भी उपाय प्रस्तुत करता हूं। उचित है। मैं यहाँ स्थिर क्यों नहीं हो पा रहा हूँ? इन मेघों से स्वयं को विलग करने में असमर्थ क्यों हो रहा हूँ मैं? ये कैसी विपत्ति छाई है मुझ पर? ये दोनों शिव पुत्र यहाँ, मुझे पुनः इनकी दृष्टि से ओझल होने का कोई उपाय करना चाहिए। अब यहाँ से प्रस्थान करने का विचार भी मत करना, क्योंकि इस दिव्य गदा की ऊष्मा ऊर्जा तुम्हें यहाँ से पुनः मेघ बनकर उड़ने नहीं देगी। तुम्हें तुम्हारे कर्मों का दंड तो भुगतना ही होगा, अब तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। ये क्या करने जा रहे हैं मेरे साथ? इनसे अपनी रक्षा कैसे करूं मैं? मैं व्यर्थ में ही इतना विचलित हो रहा हूं, जब इनसे रक्षा का इतना सरल और अचूक उपाय प्राप्त है मुझे।
ये दुष्ट ममतासुर कैसा कपट करने जा रहा है? अपने सभी अस्त्रों को अदृश्य क्यों कर दिया इसने? जब संसार का सर्वाधिक शक्तिशाली कवच प्राप्त है मुझे तो मुझे इन अस्त्रों की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि इस ममतासुर की रक्षा स्वयं माता की ममता करेगी। ओम जगदम्बा जननी रक्षा करो, ओम भयहारिणी मैया रक्षा करो, ओम जगदम्बा जननी रक्षा करो, जननी रक्षा करो, भयहारिणी मैया रक्षा करणी मैया रक्षा करो, ओम चंद्रघंटा जननी रक्षा करो। ये कौन है जो मुझसे अपनी रक्षा की गुहार लगा रहा है? अपने इस पुत्र की रक्षा करो माता, इस निर्दोष को अकारण ही इतना दंड दिया जा रहा है। आपके पुत्र ममतासुर पर संकट की छाया छाई है जो स्वयं मेरे भ्राताओं ने उत्पन्न की है। याद नहीं मुझे माते कि क्या द्वेष है इन्हें मुझसे, जो ये मुझे क्षति पहुंचाना चाहते हैं। प्रेम पूर्वक मैंने इनकी सेवा की, अपने भवन में स्वागत किया, इनका भोजन कराया, तन मन से सेवा की, परंतु फिर भी मैं दंड का भागी क्यों हो गया हूं माते? और हां माते, इन्होंने छल पूर्वक मुझसे वो गदा भी छीन ली जो आपने मुझे मेरी रक्षा के लिए प्रदान की थी। रुको ममतासुर, माँ की ममता का अनुचित लाभ उठाने का प्रयास मत करो। सत्य तो आपके समक्ष है माते, भ्राता गणेश केवल मुझे चेतावनी ही नहीं दे रहे हैं अपितु आपकी ही दिव्य गदा से मुझ पर प्रहार भी करना चाहते हैं। रक्षा कीजिए माते, मेरी रक्षा कीजिए, अपने पुत्र की रक्षा कीजिए माते। शूले न पाही नो देवी। अनुज गणेश, जिस मंत्र के जाप को माता कभी अनसुना नहीं करती, सदैव जिसका जाप करने वाले की रक्षा करती है, इस दुष्ट ममतासुर ने माता के उसी रक्षा मंत्र का जाप आरंभ कर दिया है। बाही खड़गेन चांबिके, घंटा स्वनेन न पाही, चाप जानी स्वनेन च। इस दुष्ट के लिए योगिनी माताएं स्वयं प्रकट हो गई हैं। अब देखना भ्राताओं, मैं किस प्रकार आपकी माता के द्वारा ही आपको क्षति पहुंचाता हूं। पहले आपके पिताश्री ने आपकी गर्दन काटी थी, आज स्वयं आपकी माता ही आपकी शत्रु हो जाएंगी।